अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव। झटपट भी बनता है और खाने में टेस्टी भी रहता है। 2-3 चम्मच हमने बड़े ऑयल डाला हुआ है एक बर्तन में। 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 दालचीनी के पीस है, 3-4 हरी इलायची है, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लौंग है और 1 बदियान फूल है, 1 बड़ी इलायची है। सारे हमने साबित मसाले डाले हैं, गरम मसाले। ज़रा करकराने के बाद इसमें हमने 2 बड़ी प्याज लिए है, इसको कट करके इसमें डाला है। हम लाइट ब्राउन करेंगे प्याज को। 1 टेबल स्पून धनिया है, 1 टेबल स्पून सौंफ है, इसको हम दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए हमने दरदरा पीस लिया है, पाउडर नहीं बनाया। इधर हमारी प्याज भी हो चुकी है लाइट ब्राउन। इसमें 3 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। डेढ़ किलो के करीब हमारी चिकन है, 1 केजी हमारे चावल है। हाई फ्लेम पर ही इन मसालों के साथ हम चिकन को ज़रा 1 मिनट चला लेंगे। पांच छह हमारी तीखी वाली हरी मिर्ची है, हमने चॉप करके इसमें डाला है। ये देखिए हमने जो सौंफ और धनिया को दरदरा पीसा था वो भी हमने इसमें डाला है। 1 कप दही है, 1 मिनट हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। दही को हमने फेंट कर डाला था तो फूटेगा दही। दही डालने के बाद हमने फ्लेम को मीडियम किया था। 2 टमाटर हमने ऐसे गोल काट कर डाले, 3-4 गिलास हमने पानी डाला है, 1 टेबल स्पून नमक, आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, फिर चावलों का नमक चावलों में जाएगा। कवर करके ज़रा हम 5 मिनट रखेंगे। देखिए 5 मिनट हमने कवर करके चिकन को कुक किया था। अभी हमने हरी मिर्च डाली है ऐसे 3-4, हरी धनिया थोड़ी सी और पुदीना, 1 मुट्ठी हरी धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना, 3-4 हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून फिर से हमने गरम मसाला पाउडर डाला है। मिक्स करके अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावलों को हमने फूलने रखा था आधे घंटे के लिए। चावलों के हिसाब से आप नमक डाल सकते हैं। हमने 1 टेबल स्पून फिर से डाला है, कवर करके फिर हम इसको, ये देखे दम पर आया, थोड़ा सा हमने हल्का पानी रखा हुआ है, फिर चावल खिले खिले आएंगे। तली हुई प्याज हमने ऊपर से डाली है। दस मिनट हम मीडियम फ्लेम करके इसको दम लगाएंगे। ये देखिए 10 मिनट के बाद हमने कवर खोला है। माशाल्लाह से हमारा चिकन पुलाव रेडी है। ज़रूर आप हमारे तरीके से ट्राई करना। अभी हम इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी, और हमारे तरीके से ज़रूर ट्राई करते रहना।
अल्लाह हाफिज़।